जो मुहिम देश के अंदर चल रहा है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, वो बिल्कुल कामयाब होगा। और ये बात बोल करके उस राज्य की जनता का इन्होंने घोर अपमान किया है और उस दल के लोगों का, उस दल के नेताओं का अपमान किया है। अच्छा, ये जो नियोजित शिक्षक हैं उनको देखना, और उससे पहले वो जाके देश का भ्रमण करें, राजनीतिक पार्टियों को एक करें जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट था कि नहीं नियोजित शिक्षकों की बात सुनी जाए? बीपीएससी के माध्यम से जो परीक्षा ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं बीपीएससी सबसे भ्रष्ट हो गया है, पैसे लेने देने के कारण ये सिर्फ लाया गया है ये बीपीएससी के। देखिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। शिक्षकों के मामले में जो अभी नई नियमावली बनी, मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, और जो लोग जो विरोध कर रहे हैं वैसे ही लोगों को उकसा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग, साफ मैं नाम ले रहा हूँ, चूँकि कई जगह उनका जो है क्रियाकलाप जो है उजागर हो गया है, जो भी सरकार काम करती है उस काम के विरोध में वो लोगों को उकसा करके वो उपद्रव खड़ा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और इस काम में भी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात का खुलासा कर दिया है, कह दिया है कि सभी जो शिक्षक हैं, सभी ग्रेड के जो शिक्षक हैं, सबके लिए हमने सोचा है, सिर्फ जो बीपीएससी, ये अंतर है इस बात में कि जो पहले थे उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसमें सुधार करके एक नई नियमावली का रूप दिया गया है, और नई नियमावली में सीधे जो बहाल होंगे वो बिल्कुल पूरी तरह से सरकारी कर्मी के रूप में होंगे, उन्हें कोई किसी तरह का जो पहले कठिनाई होता था कोई कठिनाई नहीं होने वाला है। पहले तो तरह तरह का प्रॉब्लम आता था, कई ग्रेडों में थे। पुराने लोगों को राज्य कर्मी का दर्जा फिर क्यों नहीं दिया जा रहा है? पुराने लोगों के लिए भी आपने देखा कि किस तरह से जो है उनके वेतन में किस तरह से वृद्धि किया गया है, जो भत्ता जो दिया जाता है उस भत्ता में भी किस तरह से अभी विरोधी वृद्धि किया गया है। तो सरकार तो सभी के बारे में सोचती है, सबका उत्थान कैसे हो, सबको समान रूप से जो है कैसे इसका लाभ मिले, सब सरकार सोचती है। आपका साफ साफ कहना है कि जो शिक्षक अभ्यर्थी जो रोड पर हैं, भाजपा उसमें एजेंट का काम कर रही है? भाजपा का तो काम ही वही है, सरकार चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो काम करे, भाजपा चाहती है कि उस काम का लाभ जनता तक नहीं पहुंचे। भाजपा की तो नियत इसमें साफ हो गई है, भाजपा तो यही चाहती है कि अभी जो इतनी भारी संख्या में बहाली होने वाली है टीचरों की, भाजपा की नियत है कि ये बहाली रुक जाए किसी तरह से, इसीलिए जो है इस तरह से कुरखंड उपद्रव मचा रही है, लोगों को उकसाने का काम कर रही है। लेकिन मेरा यही अपील होगा आपके चैनल के माध्यम से सभी छात्रों से, सभी बेरोजगारों से, कि आप बिल्कुल किसी के झांसे में मत आइए और अपनी तैयारी कीजिए। कोई बहुत बड़ा जो है विकट जो है बीपीएससी का परीक्षा नहीं होने जा रहा है, आप अगर पढ़े हैं पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बीपीएससी की बात नहीं, लोग तो कह रहे नहीं हम बीपीएससी की परीक्षा देंगे, लेकिन जो वेतन मान तय किया गया 25,000 से 31,000 रुपये का जो वेतन मान तय किया गया है, उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि चपरासी का वेतन मान हमें क्यों दिया जा रहा है, जब हम राज्यकर्मी का दर्जा हमें मिलेगा? तो देखिए, ये चपरासी का वेतनमान नहीं है। हाँ। ये आप जरा एक बार सोच लीजिए। हाँ। कि जब ये लोग 1500 रुपया पर बहाली हुए थे, हंसी खुशी बहाल हुए थे कि 1500 रुपया में ही हमारा गुजारा हो जाएगा, लेकिन सरकार कहाँ 1500, आज कितना रुपया दे रही है? अब मैं आपको एक बताता हूँ, आप देख लीजिए कि कैसे जो है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। वो जो सरकार ने जो वृद्धि किया है उसका कोई आप कार्ड लेख रखे होंगे फोटो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दिखाना पड़ता है भाई बिल्कुल। मैं तो माले के लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जो माले के जो लोग सुमन सौरभ हो गए, चाहे महबूब आलम हो गए, वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप ही लोग सहयोगी तो हैं वो। देखिए, माले सपोर्ट करे विरोध करे वो माले जाने, लेकिन सरकार अपना काम बखूबी अच्छे तरीकों से करती है, लाभुकों तक सीधा लाभ जाए इसके लिए काम करती है, और बिहार की जनता को कैसे उसका हक मिले इसके लिए काम करती है। इसमें बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी भेदभाव के सरकार सीधे लाभुकों को लाभ दिलाने के लिए काम करती है, दिन रात मेहनत कर रही है। दिखाइए कुछ, आप दिखा रहे थे सर। देखिए, ये आप जरा देख लीजिए,
या आप ही लोग के सोशल मीडिया का एडिटेड है क्या, सोशल मीडिया का जो टीम है उनके द्वारा? अब ये चीज़ निकाला गया है, इसको देख लीजिए, तहकीकात कर लीजिए, अब क्या चाहिए। सरकार इन लोगों के फायदे के लिए, इन लोगों को लाभ दिलाने के लिए किस तरह से काम कर रही है, और विरोधी दल कैसे जो है इन लोगों को जो है भ्रामक प्रचार करके, इन लोगों को भड़का करके जो राज्य में उपद्रव कराना चाहती है, तो उनका भी पोल खुल गया है। सभी लोग उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं आने वाले दिनों में, तो भाजपा तो बिहार से बिल्कुल सफाया ही हो जाएगी, और जो केंद्र में इनकी सत्ता है ये निश्चित रूप से बेदखल हो जाएंगे। जो मुहिम देश के अंदर चल रहा है भाजपा मुक्त भारत बनाने का, वो बिल्कुल कामयाब होगा। और जिस तरह से लोगों का जुड़ाव जो है सभी राज्यों में, चूंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला कुछ दिन पहले कि मैं सभी क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, उनकी भूमिका समाप्त कर दूंगा, तो जो क्षेत्रीय दल है भारत के अंदर भिन्न भिन्न राज्यों में, वो क्षेत्रीय दल किस तरह से वो अपने अपने राज्यों का किस तरह से मजबूती के साथ विकास कर रहे हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं, और ये बात बोल करके उस राज्य की जनता का इन्होंने घोर अपमान किया है, और उस दल के लोगों का, उस दल के नेताओं का अपमान किया है, वो इनको माफ़ करने नहीं जा रहा है। और तो और ये मैं बता दूं कि किस तरह से ये जुमलों और झूठे प्रचार प्रसार के माध्यम से हर चुनाव में ये उतर करके लोगों को झांसा देने का काम किया है, इस बार इनका कलई खुल गया है, पोल खुल गया है, और जनता इनको इस बार सबक सिखाने का मूड बना लिया है। तो भी आपने सुना किस प्रकार से आरसीपी सिंह जो भाजपा में ज्वाइन हुए हैं उसको लेकर इन्होंने साफ साफ अपनी बातें रखी, और उसके बाद से जो नियोजित शिक्षकों को लेकर बातें थी, और जो नियोजित शिक्षकों को लेकर जो वेतन मान था, जो लोग कह रहे थे चपरासी का वेतन मान दे रहे हैं और उसके राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, इस पर भी जो प्रदेश प्रवक्ता हैं जदयू के, उन्होंने अपनी स्टैंड क्लियर की है। फिलहाल कैमरा अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।